तो ये हमारा लहसुन और अदरक का अचार बनके तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन एंड फार्म आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लहसुन अदरक की अचार, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस अचार की रेसिपी के लिए हमने 150 ग्राम अदरक को अच्छे से इसे चॉपर में देके इसे चॉप कर लेंगे। आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप इसे थोड़ी सी कूट के इस अचार को आप बना सकते हैं अपने घरों में। तो इस प्रकार से हम इसे दरदरा चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से ये चॉप होके फाइनली ये देखिए इस प्रकार से हमने इसका शेप रखा है। उसके बाद हम फिर मिर्ची लेंगे। मिर्ची हमने 100 ग्राम के आसपास लिया है। ये तीखा आपको कम ज़्यादा अचार में पसंद हो तो उस हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। तो इसकी जो मात्रा है, हमने लहसुन 300 ग्राम, अदरक 150 ग्राम और मिर्ची 100 ग्राम के आसपास इसे लिया है। तो ये लहसुन हमारा 300 ग्राम है तो इसे भी हमने चॉप कर लिया है। आप थोड़ी सी कम ज़्यादा इसे मोटा पतला चॉप करके रख सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। हमने इस प्रकार से इसे चॉप किया है। तो ये देखिए फाइनली हमारा लहसुन भी चॉप हो चुका है। तो ये तीनों अदरक, लहसुन और मिर्च को हमने चॉप करके रख लिया है। अब मसाले में हमने लिया है मेथी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, थोड़ी सी गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। तो ये इन सारे मसालों को हमने भून के इसे पीसा है। तो आप मसालों को अच्छे से भून के पीसेंगे एक तवे पे रोस्ट करके। तो अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें सारे चॉप किए हुए अदरक लहसुन को डालेंगे और उसके बाद बारी बारी से सारे मसालों को हम डालेंगे इसमें। ये बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है ये अचार। आप चाहे तो एक दिन में इसे खा सकते हैं, एक दिन धूप लगा के। ऐसे 4 से 5 दिन धूप लगा देंगे तो लंबे समय तक इस अचार को आप खा पाएंगे। तो ये देखिए हमने सारे मसालों को इस बॉल में डाल लिया है और फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डालेंगे, कम ज़्यादा। और इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच विनेगर डालेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी खटास आ जाए अचार में। विनेगर आपको बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और 150 ग्राम के आसपास हमने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, वो भी इस सरसों तेल को हमने पका के इसमें डाला है। तो पका के डालेंगे तो इंस्टेंटली आप खा सकते हैं इस अचार को। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली लहसुन अदरक का अचार बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो आप इसे बना के 4 से 5 दिन धूप में लगा दें और इस प्रकार के शीशे वाली बोयम में आप इसमें डाल के रख सकते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।